नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की अपडेट अपने चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अतुल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अपने इस इंटरव्यू में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या कुछ बातें कहते हैं, तो सुनते हैं इस वीडियो में आगे। वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है राज्य सरकार में, वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं। कौन सा मामला वेटिंग लिस्ट के लिए बनता है और कौन सा मामला सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बनता है, इसके अंतर को समझना बहुत जरूरी है। जिसका हम लोगों ने रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट के प्रोसेस में, क्योंकि डिपार्टमेंट भी उसको देखता है, और ये सिर्फ टीआरई की बात नहीं है, किसी भी परीक्षा डिपार्टमेंट भी देखता है उसको, डॉक्यूमेंट वगैरह सब देखता है, कि ये पुलिस वेरिफिकेशन देखता है वगैरह वगैरह। अगर डिपार्टमेंट पाया कि हमारे अनुशंसित कैंडिडेट में कोई त्रुटि है, मतलब वो योग्य नहीं है, तो वो आयोग को वापस भेजता है कि इसके इसमें पुलिस वेरिफिकेशन गलत आ गया, या ये फलाना चीज हो गया, या कोई मिस्टेक है जिसके लिए वो योग्य नजर नहीं आता है, तो आयोग उनके स्थान पर सप्लीमेंट्री लिस्ट अनुशंसा भेजता है। तो जो जिनको अभी वैसे कैंडिडेट जिनको अभी कोई ऑफर लेटर नहीं मिला, अभी डिपार्टमेंट अपने स्तर से उसकी चेकिंग किया और चेकिंग करके अनुशंसा को वापस किया और हम लोगों ने उसके जगह पर नई अनुशंसा भेजा, तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला बना, ठीक है। लेकिन एक बार अगर उस अनुशंसा पर डिपार्टमेंट ओके कर देता है उसको, तब उसको ऑफर दिया जाता है, और एक बार जब ऑफर हो गया तो अब उसका विवेक है अभ्यर्थी का, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का है, वो ज्वाइन करे ना करे। अब अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो वेटिंग लिस्ट में जाएगा, और वेटिंग लिस्ट का चूंकि प्रावधान नहीं है, इसलिए वो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ रहे हैं, कोई ज्वाइन करके छोड़ दिया वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ऑफर मिल गया, ज्वाइन करे चाहे ना करे, कई बार होता है कि कैंडिडेट बोलता है कि आपको डिलीव नहीं हो पा रहा है, और फिर पहले कहीं काम कर रहे हैं, आपको एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, छः महीना लगे, बीमार है, ये कई तरह के कारण करते हैं। हर कोई तो एक नौकर, दो तीन नौकर पैर रखता है, यहाँ भी नौकरी लेता है, वहाँ भी नौकरी लेता है, उसका यहाँ भी ज्वाइन करता है, वहाँ भी ज्वाइन करने की कोशिश करता है, देखता है, हर जगह लटका के रखता है। स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों ने भी वो किया था, करते हैं लोग अपने 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 बेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स के लिए ऐसा करते हैं लोग, तो वो अपने होल्ड करता है। जब तक वो अपना रिलीज नहीं करेगा तब तक वो वैकेंसी दूसरे को नहीं जा सकता, और इसलिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए गवर्नमेंट कभी भी यहाँ पर गवर्नमेंट वेटिंग लिस्ट की बात नहीं करती। और चूंकि वेटिंग लिस्ट नहीं है, इसलिए अगर कोई कैंडिडेट अगर ऑफर मिल गया, या ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया, या ज्वाइन करने के पहले ही मतलब ज्वाइन ही नहीं किया, ऑफर मिल गया, वैकेंसी यूटिलाइज हो गया, और अब अगर वो नहीं ज्वाइन करता है, छोड़ देता है ज्वाइन करने के बाद, सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे। लेकिन अगर उसको ऑफर ही नहीं मिला है, क्योंकि डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पुलिस वेरिफिकेशन में वगैरह वगैरह में, और वो वैकेंसी अगर हमको वापस, जैसे इस बार मल्टीपल रिजल्ट की वैकेंसी हमको वापस हुआ, तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। इसलिए हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, हम कभी भी नहीं बोल रहे हैं कि हम वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट देंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट का प्रावधान नहीं है। और ये तो लोगों की मांग करना है कि नियोजित को आउट करके नौकरी दीजिए, ये तो इसके लिए तो चर्चा ही करना बेकार है, ये तो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी हो जाएगा। हम लोग रिजल्ट तब निकालेंगे जब हमारा तैयार हो जाएगा, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास कई पेंडेंसी है और हमारी ये प्रायोरिटी में नहीं है। टीआरई वन का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना मेरी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमने 1,20,000 से ज़्यादा लोगों का रिजल्ट दे रखा है,
और उस दरमियान हमारे 68 के रिजल्ट पेंडिंग थे, अब तो निकल गया वैसे, 68 के रिजल्ट पेंडिंग थे, एपीओ के रिजल्ट पेंडिंग थे, सहायक के रिजल्ट पेंडिंग थे, और अभी भी हमारे डबल एओ के रिजल्ट पेंडिंग है, जो कई समय से लंबे समय से वेट कर रहे हैं। पहली हमारी प्राथमिकता हुआ है, और हमारा TRE-1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट तभी निकलेगा जब हम तैयार हो जाएंगे उसके लिए। हो सकता है कल तैयार हो जाए, परसों तैयार हो जाए, हो सकता है एक सप्ताह के बाद तैयार हो। नहीं, हमने तो आपको बताया कि TRE-2 के साथ अगर हम करते हैं तो उसके क्या लाभ है, लेकिन अगर हम उसके साथ करते हैं तो घाटा में ये है कि आप ही लोग हल्ला करेंगे बाद में कि भाई इन्होंने देरी कर दिया, क्यों, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मदर वगैरह। लेकिन मैं दो टूक बता रहा हूँ कि वो TRE सप्लीमेंट्री रिजल्ट कभी भी प्राथमिक रिजल्ट की तुलना में उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि सप्लीमेंट्री है ना, प्राथमिक रिजल्ट नहीं है वो। प्राइमरी रिजल्ट अगर होता, मेन रिजल्ट अगर होता, तो हम उसकी प्राथमिकता दिए, और तो दिया भी गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमारी प्राथमिकता नहीं हो सकती है, वो भी तब जब हमारे पास ढेर सारे दूसरे परीक्षाओं।